बजट एक्सक्लूसिव का वक्त है हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अम्बरीश। अम्बरीश गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? सर हमने देखा कि लगातार सरकार अफोर्डेबल हेल्थ केयर को लेकर काम कर रही है और ये जो बजट सरकार का 4.2 का अंतिम बजट कहें या फिर अंतरिम बजट जो है उसमें सरकार कई तरह के विशेष प्रस्ताव कर सकती है जिसमें अफोर्डेबिलिटी को हेल्थ केयर में अफोर्डेबिलिटी को और बढ़ावा मिलेगा। जो हमें जानकारी मिली इसके अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, इंश्योरेंस में बहुत दिक्कतें आती है, इन चीजों को सरकार आसान करने जा रही है। एक नई हेल्थ स्कीम सरकार की तरफ से जारी हो सकती है जिसमें की इंश्योरेंस प्रीमियम अफोर्डेबल रहेगा। इसके जो सरकार की मौजूदा योजना है PMJY यानी कि आरोग्य जन योजना, उसमें सरकार कई तरह के बदलाव कर सकती है। अभी तक जो दायरा स्कीम का है वो है BPL परिवारों के लिए, जो कि देश के लगभग 10 करोड़ परिवार इसके अंदर शामिल होते हैं। सरकार इसके दायरे को बढ़ाकर निम्न मध्यम वर्ग तक करने की कोशिश में है, करने की तैयारी में है, और अगर ये तैयारी होती है तो इसका लाभ एक बड़े जनमानस को मिलेगा। जो जानकारी हमें है उसके अनुसार सरकार इसके दायरे में जो रेंज है उसको भी बढ़ा सकती है। अभी तक 5 लाख तक की लिमिट थी, सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर 7 से 10 लाख के बीच कहीं रख सकती है। तो सरकार ये कोशिश में है कि एक सोशल सिक्योरिटी सबको दी जाए और सोशल सिक्योरिटी के लिए सरकार इस तरह के कदम कर सकती है। एक और खबर हमने जबरदस्त दिखाई थी 11 दिसंबर को, जिसमें हमने कहा था कि सरकार एक्सीडेंट के दौरान जो मौतें होती है उसको कम करने के लिए एक कैशलेस बीमा योजना की बात कर रही है। उसका कंसल्टेशन भी पूरा हो चुका है, सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से उसका नोटिफिकेशन, उसका जो रिपोर्ट है वो वित्त मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। हमें जानकारी ऐसी मिल रही है कि बजट में इस योजना की भी सरकार शुरुआत करने की घोषणा या फिर प्रस्तावना कर सकती है। योजना भले ही थोड़ा सा आगे जारी हो लेकिन बजट में इस बात की प्रस्तावना सरकार कर सकती है। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए सरकार कई तरह की घोषणाएं इस बजट सत्र में कर सकती है। सर ओके, तो ये राय है आपके लिए, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आ सकती है। आयुष्मान भारत योजना जिसमें कि लोगों का इंश्योरेंस किया जाता है, इसका दायरा बढ़ सकता है, इसकी लिमिट बढ़ सकती है और इसमें कवरेज के लिए लोगों की और योग्यता जो है पात्रता है वो बढ़ सकती है। ये बड़ा एक्शन होता है।